जोहार झारखंड, जय झारखंड। ऐसे लाइव तो आज लगभग 2-3 महीना के बाद आए हैं और आने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन हमारे साथी, हमारे मित्र के द्वारा ही बहुत सारी शिकायतें थी, तो हमें लगा उन शिकायतों को वन बाय वन शायद उन्हें ना बता पाएं, इसलिए लाइव के माध्यम से ही उनकी शिकायतों पर थोड़ा बात करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आपकी शिकायतें जेन्युइन हैं, आपकी शिकायतें जायज़ है और हम स्वीकार करते हैं कि हमने शिकायत का अवसर भी दिया है, लेकिन आपसे नम्र निवेदन होगा, कभी शिकायतों से पहले उस व्यक्ति को समझने की चेष्टा करो, खासकर जयराम महतो को। पता नहीं झारखंड के तमाम लीडर्स क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ये सार्वजनिक है, आपको मालूम है मैंने किस प्रकार से अपने आप को तपा दिया है, अपने आप को गला दिया है। चूँकि आज पेट्रवार के कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हुआ कि काफ़ी लेट हुआ, लेट से पहुँचे, लेकिन आज मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा, हालांकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से बताना सही नहीं है, प्रोटेक्शन के हिसाब से, सिक्योरिटी मेंटेन के हिसाब से, चूँकि मैं एक पार्टी का आज केंद्र अध्यक्ष हूँ, हमारी पार्टी 8 लाख वोट ला चुकी है, विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा फाइटिंग करेगी, तो ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताना उचित नहीं है, लेकिन मैं चूँकि बात शिकायत की आती है इसलिए मैं बताना चाहूँगा। देख सकते हैं हमारी गाड़ी में, ये गाड़ी में मात्र 3 लोग हैं, ये हमारे सदाम भाई हैं, ये मैं हूँ, ये रविंदर जी, और बाकी गाड़ी में कोई नहीं है। अब सवाल आप करेंगे कि भाई केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो झारखंड की एक हॉट पर्सनैलिटी, जिसके नाम से ही लोगों में हड़कंप, आज हम लोग 3 ही लोग इस गाड़ी में क्यों हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि 3 दिन पहले हम लोग घर से निकले हैं और इस गाड़ी में शायद 7-8 लोग थे, लेकिन ऐसा हुआ कि 3 दिनों के दरमियान वो बीमार हो गए हैं। चूँकि आप शिकायत करते हैं ना, तो शिकायत से पहले हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, वे लोग बीमार हो चुके हैं और वे घर जा चुके हैं। अब हुए बीमार क्यों? तो 3 दिन पागलों की तरह, 1 दिन में 4 विधानसभा का कार्यक्रम, 4 जगह का कार्यक्रम नहीं, भले आपको सुनने में कम लग रहा हो 4 विधानसभा, लेकिन एक दिन ट्राई कीजिएगा, 1 दिन में 4 विधानसभा का कार्यक्रम रख के ट्राई कीजिएगा, यानी 1 दिन में 4 विधानसभा, जैसे आज ही डुमरी विधानसभा, बगोदर विधानसभा, मांडू विधानसभा, गोमिया विधानसभा, 4 विधानसभा, और चारों विधानसभा बड़ा बड़ा, यानी वे लड़के जो हमारे साथ थे, हमारे साथी, वो 4 लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बीमारी टाइप का फील हो रहा है, हम अस्वस्थ टाइप का फील कर रहे हैं, और तो हम लोग को घर जाने दे। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग चले जाइए, लेकिन कार्यक्रम है हमारा, हम तो कार्यक्रम को छोड़ नहीं सकते हैं। और आज देख सकते हैं, हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको दिखाना उचित नहीं है, लेकिन भैया सच्चाई आपको जाननी होगी, मात्र 3 लोग हैं हम लोग गाड़ी में, कोई सुरक्षा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, बस 3 लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग बीमार होकर घर जा चुके हैं। और बहुत लोग मीडिया वाले भैया लोग भी कहते हैं कि आपके काफिले में 100 गाड़ियां होती हैं, सही बात है, 100 नहीं 150 गाड़ियां होती हैं, लेकिन फिलहाल हमारी गाड़ी आज अकेले है, क्योंकि वो कार्यक्रम तक रहती है। अब वो कौन है मैं नहीं जानता, वो कार्यक्रम तक रहती है, फिर मुझे अकेले सफ़र करना पड़ता है, और मेरा जो आज का सफ़र है वो फिलहाल पेट्रवार से पीरटांड का है, तो पेट्रवार से पीरटांड को गूगल में देख लीजिएगा दूरी कितनी है, वो सफ़र मेरा अकेले का है, तन्हा नहीं, 3 साथी हैं हम लोग, यानी एक गाड़ी का सफ़र है, वहाँ कोई तामझाम नहीं होता है, वहाँ कोई काफिला नहीं होता है, वहाँ 10 गाड़ियाँ नहीं होती है, वहाँ 5 गाड़ियाँ नहीं होती है, वहाँ केवल 1 गाड़ी है, वो सदाम भाई की स्कॉर्पियो है, देख सकते हैं 3 ही लोग हैं हम लोग, और ऐसा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा शिकायतें हैं आपकी, उन कबूल करते हैं, लेकिन कभी कभी समझिएगा, अभी 3 दिन से ईमानदारी से कह रहे हैं दिन में 1 ही बार खाना खाते हैं, 1 ही बार, यानी जब, और साथ ही जिनको शिकायत है उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जब 3 ही लोग हैं तो आप सुबह पीरटाणा के ज्वाइन कीजिए, मैं 5 जगह खाली है इस गाड़ी में, लेकिन हाँ शर्त है कि आपको 14 तारीख को फ्री करेंगे। अब 14 तारीख तक आपको हमारे जैसा रहना होगा, हमारे जैसा जीना होगा, हमारे जैसा खाना होगा, हमारे जैसा सोना होगा, अगर आप तैयार हैं तो आइए, आपकी शिकायतों को दूर करते हैं। इस गाड़ी में ये स्कॉर्पियो है, इसमें 5 सीट खाली है, बीच में 3 सीट और पीछे 2 सीट खाली है, तो जिन हमारे साथी को, जिन हमारे संगठन के पदाधिकारी को, जिस हमारे सदस्य को अगर हमसे शिकायतें हैं कि फोन से बात नहीं हो पाती है, आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो उन्हें क्या बताएं, हम लोग जो कर रहे हैं उसे संघर्ष नहीं पागलपन कहते हैं।
एक संघर्ष होता है, एक पागलपन होता है, ये हमारा पागलपन है। और हम लोग अभी जा रहे हैं पीरटाण, चूंकि पीरटाण में हम लोग की कल की पहली सभा है। वहां से निकलेंगे तोपचांची टुंडी विधानसभा, वहां से निकलेंगे प्रधानखंडा सिंदरी विधानसभा, वहां से निकलेंगे लोपिटी बागमारा विधानसभा, यानी कल भी मेरा चार विधानसभा का कार्यक्रम है। तो शायद कल जो सुबह भोजन करेंगे यही पीरटाण की धरती में, वही भोजन रात को जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा तब तक वो भोजन नहीं होगा। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, भारत देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, झारखंड में बहुत सारी पार्टियां हैं, और संगठन में केडर मेहनत करते हैं, लेकिन शायद मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं लेकिन अपनी घटनाक्रम को बता रहा हूं, झारखंड की और भारत की शायद पहली ऐसी पार्टी का मैं केंद्र अध्यक्ष हूं जहां लीडर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। आपने सुना होगा कि जितना मेहनत केंद्र अध्यक्ष करते हैं उससे थोड़ा कम मेहनत प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, उससे थोड़ा कम मेहनत जिला अध्यक्ष करते हैं, उससे थोड़ा माफ कीजिएगा उससे थोड़ा ज्यादा जितना मेहनत केंद्र अध्यक्ष करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा जिला अध्यक्ष करते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा प्रखंड अध्यक्ष करते हैं, और उससे ज्यादा पंचायत अध्यक्ष मेहनत करते हैं। यानी जितने नीचे पायदान पर पदाधिकारी होते उतना मेहनत होता है, लेकिन झारखंड और भारत की पार्टी का शायद मैं पहला केंद्र अध्यक्ष हूं जिसने केडर से ज्यादा एक लीडर मेहनत कर रहा है। हालांकि अपनी प्रशंसा नहीं है बट घटनाक्रम और सच्चाई बता रहा हूं। बाकी पार्टी में संगठन में केडर मेहनत करते हैं, यहां जरा महतो लीडर पार्टी का हमने अपने आप को गला दिया है, तपा दिया है। तो इसलिए जिनको भी शिकायतें हैं, हमारी गाड़ी में 5 सीट खाली है, आप पीरटाण में सुबह आके ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सुबह आप लोग पीरटाण को मैं आके 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर तो आपके पास होगा ही, नहीं तो आप 3 चेहरे को तो पहचान रहे, किसी को फोन करके आप पीरटाण ज्वाइन कर सकते हैं। 5 लोगों के लिए सीट इस जगह गाड़ी में खाली है, लेकिन शर्त है 14 तारीख को विदाई देंगे भैया। फिर बीच में मत बोलिएगा कि बीमार हो गए, खाना नहीं मिला। तो सुबह पीरटाण आइए, अरमान भाई ज्वाइन कीजिए सुबह पीरटाण, 5 सीटें खाली हैं। अगर मीडिया बंधु भी, चूंकि 2-3 मीडिया वाले भी बैठे थे गाड़ी में, वो भी बोले हम बीमार हो गए, नहीं होगा हमसे टाइगर, नहीं हो पाएगा हमसे। तो इसलिए थोड़ा सा समझना होगा हमारी परिस्थिति को। उसके बाद हमारी कुछ टीम के साथी भी हैं जो शायद ये सोच रहे हैं पहली बार की कोई कैप्टन मेहनत कर रहा है बाकी प्लेयर मेहनत नहीं कर रहे, शायद उन प्लेयर को लग रहा है कि हम प्लेइंग 11 में है कि नहीं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए टीम एफर्ट के साथ गेम को खेलिए, आप प्लेइंग 11 में है या ना है, मकसद ट्रॉफी होनी चाहिए। क्योंकि मतलब मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। तो इसलिए देखिए जुनेद दा, वो मामला क्या है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, प्रधान महासचिव उनको एक अधिकार है पार्टी में, वो समझेंगे उस विषय को, वो उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, अब देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। बाकी मुझे नहीं मालूम है रिजवान दा का विषय, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ, चूँकि वो घटना घटी है टुंडी में और मैं उस दिन था बड़का गाँव में, मैं उससे पहले था रामगढ़ में, आज मैं कहाँ था मांडू में बगोदर में, तो मेरा उस क्षेत्र से कोसों दूर मैं हूँ, उस क्षेत्र से जहां रिजवान दा के साथ घटना घटी, सत्य है असत्य है मुझे जानकारी नहीं है। आदरणीय प्रधान महासचिव ने टीम का गठन किया है, प्रधान महासचिव को पार्टी में एक विशेष अधिकार प्राप्त है, उन्होंने अपने अधिकार के तहत टीम का गठन किया है और साथ ही साथ रिजवान भाई साहब को चिट्ठी भी लिखा है। अब उस चिट्ठी का वो क्या उत्तर देते हैं, उससे जाँच की टीम कितना सेटिस्फाइड करती है, उसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। लेकिन ये निर्णय पूरी तरह से प्रधान महासचिव के विवेक का निर्णय है, क्योंकि पार्टी में प्रधान महासचिव का एक ओहदा होता है, एक जगह होता है। मैंने किसी मेरा किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है, ना मुझे कोई जानकारी है, क्योंकि मैं फिलहाल कोसों दूर हूँ उस क्षेत्र से, मैं काफ़ी दूर हूँ वहाँ से। तो इसलिए जिनको भी शिकायतें हैं, आपकी शिकायतों को हम कबूल करते हैं, क्योंकि है शिकायतें हैं, सही बात है, टेलीफोनिक बात उतनी नहीं हो पाती है। तो आपको समझना हो कैसे टेलीफोनिक बात होगी, एक दिन में 4-4 विधानसभा, एक विधानसभा में नहीं करने से भी 70-100 किलोमीटर का ट्रेवल होता है, तो 4 विधानसभा यानी 400 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ता है। तो बाकी यही कहना चाहेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, और ये जरूर कहेंगे कि हमारे जो भी प्लेयर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि भाई मान के चले जरा महतो तो टीम का कैप्टन है, वो तो खेलेगा, लेकिन बाकी लोग प्लेइंग 11 में हैं कि नहीं ये सोच के वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मैं अपनी टीम के तमाम प्लेयर्स को, समझ रहे हैं टीम प्लेयर्स का मतलब क्या है, कि देखिए हमारा मकसद ट्रॉफी होना चाहिए, हमारा मकसद खुद खेलना वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
हमारी टीम खेले, हमारी टीम जीते, ये हमारा मकसद होना चाहिए। इसलिए आप लोग भी मेहनत करें, जितना मेहनत आपकी आपकी टीम के कैप्टन होने के नाते, मैं एक नवोदित पार्टी के केंद्र अध्यक्ष के तौर पर